आज के वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिससे आपको प्रोजेक्ट मिलने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपने फ्रीलांसिंग अभी अभी शुरू किया है या आपने शुरू किया तो है लेकिन प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल रहा या मिल भी रहा है तो उस लेवल का नहीं मिल रहा जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखो, आपको प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज राकेश रोशन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वायरल इन्फो वार। आई एम एचआर प्रोफेशनल फॉर लास्ट 14 इयर्स। इस चैनल पर मैं लेकर के आता हूँ जॉब, फ्रीलांसिंग और अर्निंग के नए तरीके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि आपने आज ही फ्रीलांसिंग शुरू किया और आज से ही आपको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गया। इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझ लो कि ये फ्रीलांसिंग आपका शोरूम है और आपका स्किल सेट आपका प्रोडक्ट है। आप जितना इसको मार्केटिंग करोगे, जितना इसको अच्छे से सजा करके रखोगे, उतना ज़्यादा क्लाइंट आपके बारे में नोटिस करेंगे। इमेजिन करो कि आप खुद एक एम्प्लॉयर हो और आपको लोगो डिजाइन करवाना है, तो आप किसे हायर करोगे? आप उसे हायर करोगे जिसका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, जो एक्सपीरियंस है, जो कंटिन्यूसली काम कर रहा है एंड सो ऑन। आज के डेट में हर किसी को बेस्ट वर्क ही चाहिए, तो आपको भी बेस्ट बनना पड़ेगा। बेस्ट बनने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। पहला है स्किल्स। आपका स्किल सेट क्लाइंट के सामने बेस्ट डिफाइन करेगा कि आप कितने अच्छे फ्रीलांसर हो और आप औरों से बेहतर कैसे हो। आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो होने से क्लाइंट को आपके बारे में बेहतर जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि आजकल हर क्लाइंट सिंपल वर्क को पहले देखना चाहता है। एक्चुअली आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो ही एक ऐसा चीज़ है जो क्लाइंट के सामने में आपके बारे में बेहतर डिस्क्राइब करेगा। अगला पॉइंट है कंटिन्यूटी। आपको हमेशा एक कंटिन्यूटी को बना करके रखना पड़ेगा। हमेशा आपको बिडिंग या प्रपोजल सेंड करते रहना पड़ेगा। आपको प्रोजेक्ट मिले या ना मिले, लेकिन आपको एक अच्छा सा प्रपोजल हमेशा सेंड करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एक या दो प्रपोजल भेजने से कुछ नहीं होता। प्रपोजल भेजने में हमेशा आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि आप अपने प्रपोजल में ही अपना सिंपल वर्क को अटैच कर दें, या आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो है तो उसका लिंक शेयर कर दें। अगला पॉइंट है नेटवर्किंग। आपको हमेशा अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सीनियर्स के हमेशा टच में रहना चाहिए और अपना स्किल्स और नॉलेज को शेयर करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको रिकॉग्निशन मिलता रहे। ऐसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे बिडिंग करना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉयर और क्लाइंट का कॉमन प्लेटफॉर्म हो, जैसे upwork.com, fiverr.com, freelancer.com, guru.com और बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप बिडिंग कर सकते हो। ऐसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो जिसको आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हो, और हमेशा कोशिश ये करो कि आप बेहतर कैसे हो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, ये जरूर मेंशन होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली है। जैसे पहला पॉइंट है, किसी भी प्रोजेक्ट को आप इजी मत लो, जितना कहा जाए उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें दो। इनिशियली अपनी एक्सपेक्टेशन को हमेशा कम रखो, दूसरे से कंपेयर कभी मत करो। एक बार आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो गया फिर वही क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देंगे। हमेशा कोशिश ये करो कि जो प्रपोजल या बिडिंग आप भेजते हो उसको आप मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसको भेजो और अच्छे से डिस्क्राइब करो कि आप क्या क्या कर सकते हो उनके लिए। फिर देखो वो क्लाइंट आपको कैसे नोटिस करते हैं, क्योंकि वीडियो देखना काफ़ी आसान होता है, इससे उनका समय बचता है। कंट्री वाइज टाइमिंग का हमेशा ध्यान रखो, किस कंट्री में कब जॉब पोस्ट होता है उसी टाइम पे हमेशा प्रपोजल भेजने की कोशिश करो, इससे आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है, हमेशा नए नए स्किल्स को सीखते रहो और अपने पोर्टफोलियो को अपग्रेड करते रहो, क्योंकि जो वर्क जितना ही इजी होता है उसमें कंपटीशन उतना ही ज़्यादा होता है। अगर आपके पास नया स्किल्स है तो आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल का आइकन दबा करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।